Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm from Oxford Islamic Scientific School. Today our topic is virus living or non-living. Look at page number 76, chapter 4, lecture 3. Today we will discuss about the virus. Virus is living or non-living. आज हम पढ़ेंगे जी कि वायरस क्या होते हैं, ये जानदार हैं या बेजान। वायरस के अंदर कुछ खसूसियात जी ऐसी हैं जो जानदारों से मुशाबहत रखती हैं, जबकि कुछ खसूसियात बेजान अशिया से मुशाबहत रखती हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे जी आज के टॉपिक में। वो खसूसियात जिसकी वजह से वायरसेस को कुछ साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं वो क्या हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी इसकी, Viruses with their core of DNA or RNA surrounded by a protein coat somewhat resemble the chromosomes of other living organism. Viruses के अंदर जी DNA और RNA होता है, उसमें protein coat होता है, उसके अंदर chromosomes की presence, ये तमाम चीज़ें living organism जानदारों में भी present होती है, इसलिए scientists consider करते हैं कि maybe they are also living organism. Next हम पढ़ेंगे जी कुछ और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रिप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें, जिससे लिविंग तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन को थ्रू रिप्लिकेशन के ज़रिए भी करते हैं। रिप्लिकेशन क्या है, यानी एग्जैक्ट अपनी तरह की कॉपीज़ पैदा करना या प्रोड्यूस करना। तो वायरस के अंदर जैसे कि मैंने आपसे कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस, अपने जैसे दूसरे जानदार प्रोड्यूस कर सकते हैं। वायरसेस आर आल्सो एबल टू डू दैट, देयरफॉर आप कह सकते हैं ये भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है इनके अंदर। नेक्स्ट जी, मैनी काइंड ऑफ वायरसेस आर नोन टू अंडरगो म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन कहते हैं जी सडन चेंज जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर आती है। वो हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए मेनली कंसिस्ट करता है जी, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं। वायरसेस के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि उसके अंदर जी जेनेटिक म्यूटेशन होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती हैं, तो ये एक और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है इसका। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, वायरसेस शो जेनेटिक रिकम्बिनेशन, हाउएवर दे शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल। वायरसेस जी ये कुछ जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी शो करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया करते हैं। रिकम्बिनेशन किसे कहते हैं जी, रीअरेंजमेंट करके जी वो अपने मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को रिकम्बाइन करने की सलाहियत रखना है, जो कि जानदार ऑर्गेनिज्म्स की खसूसियत है। तो वायरसेस ये भी कर सकते हैं, जो कि अगेन एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो इसको शो करते हैं कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, इनको कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि बाकी तमाम जानदार जो हैं वो सेलुलर होते हैं। दे अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं जी, ये बिल्कुल क्रिस्टल्स की तरह आप इनको स्टोर कर सकते हैं, यानी आउटसाइड द होस्ट सेल, जैसे हम किसी सॉल्ट वगैरह को जार के अंदर कर सकते हैं। इट्स अ नॉट अ लिविंग थिंग ना, बिल्कुल ऐसे ही आप कह लें कि क्रिस्टल के फॉर्म में आउटसाइड द होस्ट सेल हमें मिलते हैं, हम इनको स्टोर कर सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन भी शो करते हैं, जो कि अगेन एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। नेक्स्ट है जी, कम्प्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट सेल, यानी ये जो वायरसेस होते हैं ये सिर्फ होस्ट कौन हो सकता है इनका, दूसरा बैक्टीरिया, इवन एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस वगैरह इनके होस्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जबकि अगर आप इनको होस्ट सेल से वायरस को निकाल लें तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगेन आ जाती हैं, फिर ये लिविंग नहीं रहते। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जो यूजुअली वायरसेस शो करते हैं, हमने पढ़ा इस टॉपिक के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि वायरसेस आर समवट बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपका होम टास्क है जी लर्न क्वेश्चन नंबर 5।